कार्यवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निजी कार्य बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लागू करो, लागू करो, लागू करो। सबसे कम गुजरात के कानून को लागू करो, लागू करो, लागू करो। सरकार श्रीजी जिंदाबाद, हमारे बोंगे पूरी करो, हमारे बगलवाड़ियों को रेगुलर करो, रेगुलर करो, रेगुलर करो। वालों को रेगुलर करो, रेगुलर करो, रेगुलर करो। मोहम्मद मकबूल, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन एंड स्टेट प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस। आज हिंदुस्तान में 20 करोड़ के मुलाजिम और मजदूर हिंदुस्तान के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर हड़ताल पर हैं, और हमने ये एहतजाजी मुजाहरा उस हड़ताल के हक में किया है। और जो बुनियादी मुद्दे हमारे इस वक्त हैं वो ये है कि ये जो सरकार ने PFRDA को लागू किया है, पेंशन को ख़त्म करके नई पेंशन स्कीम लागू की है, उसको वापस लिया जाए, और पुरानी पेंशन स्कीम को न सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बल्कि तमाम टेम्प्रेरी वर्कर्स के लिए लागू किया जाए। दूसरा, ये जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं, ये जो कैजुअल है, कॉन्ट्रैक्ट है, आंगनवाड़ी है, आशा है, और यहाँ हमारे साथ यहाँ फिशरीज महकमे के, डेवलपमेंट अथॉरिटी, फ्लोरिकल्चर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले जो डेलीवेजर टेम्प्रेरी, न ये वेज पॉलिसी है यहाँ सरकार की, न मुस्तकली पॉलिसी। हम चाहते हैं कम से कम 18,000 रुपया मिनिमम उजरत मुकर्रर किया जाए, SRO 520 को तरमीम किया जाए और एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी मुकर्रर की जाए। और यहाँ हम ये देख रहे हैं कि कई महीनों से आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, फिशरीज़ वर्कर तनख्वाहों से महरूम है, और हम टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 10-10, 18-20 महीने से कई लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। और आप महंगाई के दौर में आप देख लीजिए, ये गवर्नर इंतजामिया ने कहा था करप्शन फ्री डिलीवरेंस देंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे। हम 8 महीने से इस सरकार का लेखा जोखा जब देखते हैं, ये भी मुलाजिम और मजदूर के हवाले से ज़बरदस्त तबाहकुन सरकार रही है, उसी तरह जिस तरह मोदी की सरकार रही है। इसलिए आज हम आपकी वसादत से ये सरकार को वार्न करना चाहते हैं कि ये जो बुनियादी मुद्दे हमारे हैं, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क का, कम से कम उजरत का सवाल, वेज रिलीज करने का सवाल, और बाकी जो पेंशन का सवाल, ये सवाल को लेकर जो ये हड़ताल हो रही है उसके साथ इजहार यकजहती करते हैं 20 करोड़ मुलाजमों और मजदूरों के साथ, और रियासती आवाम के साथ, और जम्मू कश्मीर के मुलाजिम और मजदूरों से अपील करते हैं वो आने वाले दिनों में एक ज़बरदस्त जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। या तो इस सरकार को बदलना होगा या तो इस सरकार की पॉलिसी को बदलना होगा।